Bismillah min ash-shaytan wajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I am Saman. Welcome to my YouTube channel, Saman Academy. आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करूंगी वो है ऑर्डर ऑफ असेट. कि हम लोग ऑर्डर ऑफ असेट किसे कहते हैं. ऑर्डर ऑफ असेट से मतलब होते हैं कि जो भी हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना सेट के अंदर, किसी भी सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ असेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स. नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ सेट. तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ए है कोई भी सेट जिसके एलिमेंट्स हमारे पास 1, 2, 3, इसे हम क्या बोलेंगे कि इसका ऑर्डर ऑफ अ सेट क्या होगा, 3, क्योंकि इसमें कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, तीन नंबर्स हैं. तो इसका जो हमारे पास ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 3. ऑर्डर को हम कैसे लिखते हैं, ओ ए इज इक्वल टू 3. ओ से क्या मतलब होगा, ऑर्डर. ए से क्या मतलब होगा, ए सेट. ऑर्डर ऑफ अ सेट ए इज इक्वल टू 3. अब मैं आपको बताऊंगी इक्वल सेट किसे कहते हैं. जब भी हमारे पास दो सेट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे तब हम उसे क्या कहेंगे, इक्वल. टू सेट्स लेंगे ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल सेट्स इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी. कि जब हमारे पास सेट ए इक्वल हो जाएगा सेट बी के, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तब हम उसे क्या कहेंगे, इक्वल सेट. जैसे कि 1, 2, 3 इक्वल हो जाएगा 1, 2, 3. मतलब ए सेट के हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, इसी तरह से बी सेट्स के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3. नेक्स्ट हमारे पास इक्विवेलेंट सेट. इक्विवेलेंट सेट हमारे पास कैसे होंगे कि जब भी हमारे पास जो दो सेट्स होंगे उनके सिर्फ और सिर्फ जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे, तब हम उन्हें क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट. फॉर एग्जाम्पल, एक एक हमारे पास है ए इक्वल होगा बी के, मतलब इक्विवेलेंट सेट हमारे पास कब होगा, जब ए के हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 1, 2, 3, और इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, ए बी और सी. मतलब इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में अगर मैं बोलूँ आपको कि डिफरेंस क्या होता है, तो वो आपको सिंपल सा इस तरह से याद रहेगा कि वो जो जो हमारे पास इक्वल सेट होता है उसमें हमारे इक्वल सेट जो होता है उसमें हमारे पास दोनों दोनों एलिमेंट्स भी वही होते हैं और तादाद भी सेम होती है. मतलब एलिमेंट्स और उन एलिमेंट्स की जो तादाद होती है वो भी, अगर दोनों में एलिमेंट्स भी वही हो और तादाद भी सेम हो, तब हम लोग उसे क्या कहते हैं, इक्वल सेट. मतलब एलिमेंट्स भी सेम हो और उनकी काउंटिंग भी सेम हो. और इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, जब वो सिर्फ और सिर्फ काउंट करने से सेम हो. जैसे कि इक्विवेलेंट सेट में 1, 2, 3 एलिमेंट्स ए में हैं, इसी तरह से जो बी सेट है उसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, दोनों की तादाद तो क्या होगा, इक्वल. इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट. लेकिन जो इक्वल सेट होता है उसमें उनके एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए. देखिए जैसे ए में 1, 2, 3, बी में 1, 2, 3 सेम सेम है, इसलिए उसे क्या कह देंगे, इक्वल सेट. अब जो मैं आपको बताऊंगी वो है पावर सेट. पावर सेट हम लोग बेसिकली बनाते कैसे, ये शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास. लेट्स सपोज हमारे पास एक सेट है ए जो कि किसके इक्वल है, 1, 2, 3 के. अब हमने इसके बनाने हैं पावर सेट. तो पावर सेट के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इस सेट के हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, तीन एलिमेंट्स हैं, तो हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 3. आंसर क्या आता है, 8. इट्स मीन हमारे पास इस सेट के 8 पावर सेट्स बनेंगे. उसका तरीका हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले एम्प्टी सेट, देन 1 को हम लोग एक दफ़ा लिखेंगे 1, फिर 2, फिर 3. मतलब एक दफ़ा हमने तीनों एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिख लिया. अब हम पेयर्स बना के लिखेंगे, पहले 1 और 2 का, फिर 2 और 3 का. अब रिमेनिंग हमारे पास क्या बचता है, 1 और 3. अब लास्ट पे हम लोग एक दफ़ा सबको लिख लेंगे, 1, 2, 3. अब चूंकि ये सेट है इसलिए सेट के लिए हम स्टार्ट में भी एक ब्रैकेट लगाएंगे, एंड पे भी. अब काउंट करें, क्या ये 8 बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. होपफुली आपको पावर सेट बनाना आ गया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.